हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार CDPO के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर आपने बिहार CDPO का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप सिलेबस के ऑफिशियल PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करें और इस सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर लें। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर इसका ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड कर लें और इससे रिलेटेड कोई अनेक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी द्वारा T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इस टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मिनट में आपको इनके आंसर्स देने होंगे। 40 नंबर की यह टेस्ट सीरीज है जो कि पूरी तरह से फ्री है। यह टेस्ट सीरीज डेली शाम को 7:30 बजे स्टार्ट की जाएगी और सभी क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करके आपको उसके आंसर्स दिए जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा अनअकैडमी राइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। 40 नंबर की ये टेस्ट सीरीज होगी। ये टेस्ट सीरीज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। डेली सुबह 8:30 पर ये टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। इसी तरह अनअकैडमी इम्पल्स टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मिनट में आपको आंसर करने होंगे। 60 नंबर की ये टेस्ट सीरीज है, सुबह 10 बजे ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और सभी क्वेश्चंस के डिटेल में एनालिसिस करके उनके आंसर बताए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज जो सप्ताह में ट्यूजडे को, थर्सडे को और सैटरडे को होगी। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको एक रेफरल कोड डालना होगा। आप वहां पर SR Adda कूपन कोड यूज़ करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन पेपर होगा जो कि सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी जिसमें से आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय, ये कंपलसरी पेपर हैं। सामान्य हिंदी जो है 100 नंबर की होगी, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र आपका 300 नंबर का होगा और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र आपका 300 नंबर का होगा। इन सभी के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के लिए। उसके साथ ही आपको किसी एक ऑप्शनल को चुनना होगा जिसमें से गृह विज्ञान चुन सकते हैं, मनोविज्ञान चुन सकते हैं, समाजशास्त्र चुन सकते हैं तथा श्रम एवं समाज कल्याण चुन सकते हैं। आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा जो कि 300 नंबर का होगा और इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्टिव होंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो है 120 नंबर का होगा। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के सिलेबस की। इसमें आपसे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं तथा सामान्य भूगोल से क्वेश्चन होंगे, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पूछा जाएगा, भारत की राज्य व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था तथा उसके प्रमुख परिवर्तन के बारे में पूछा जाएगा और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जिसमें हिंदी जो है आपकी कंपलसरी है, जिसमें आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य सुधार तथा मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, व्याकरण पूछी जाएगी, विलोम और समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, शब्दावली तथा गलती पहचानने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 होगा जिसमें आपसे अर्थशास्त्र, भूगोल, करंट अफेयर तथा रीजनिंग और मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 होगा जिसमें आपसे महिला विकास तथा अधिकारिता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाल और कानून से संबंधित क्वेश्चन होंगे, बचपन के वर्षों का महत्व तथा जन्म के पूर्व का विकास डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा तथा विकास कार्यक्रमों यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा जाएगा, राजनीतिक भागीदारी तथा बाल कल्याण, श्रम और दुर्व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा, ECE के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान और योजनाएं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद ऑप्शनल की बात करें तो गृह विज्ञान में आपसे पर्यावरण, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो है आपका मनोविज्ञान है, इसमें आपसे समायोजन और तनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समाज में व्यवहार तथा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, अनुभूति, सीखना, याद करना,
अनुभूति और भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुद्धिमत्ता और योग्यता के बारे में पूछा जाएगा, मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान में विधियां तथा मात्रात्मक विश्लेषण के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही शारीरिक मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का विकास और प्रेरणा तथा भावना के बारे में पूछा जाएगा, व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा। अगला ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका समाजशास्त्र है, जिसमें आपसे सामाजिक स्थिरीकरण, जनसांख्यिकी और परिवर्तन के बारे में पूछा जाएगा, समाज के प्रकार तथा अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था और समाज के अलावा राजनीतिक प्रक्रियाएं तथा मानदंड और मूल अनुरूपता तथा अवमूलन तथा कानून और सीमा शुल्क के बारे में पूछा जाएगा, समाजशास्त्रीय प्रक्रियाएं तथा मूल अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा, समाज समुदाय संघ संस्था और संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, सामाजिक समूह के बारे में पूछा जाएगा, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया के बारे में पूछा जाएगा, स्थिति और भूमिका, भूमिका संघर्ष तथा एक भूमिका सेट के बारे में पूछा जाएगा, सामाजिकरण, आत्मसात, एकीकरण, सहयोग तथा प्रतियोगिता, संघर्ष, आवास और सामाजिक संबंधों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही दूरी, सापेक्ष और अभाव के बारे में पूछा जाएगा, विवाह, परिवार और रिश्तेदारी के बारे में पूछा जाएगा, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइंग नंबरों की, तो इसमें आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो प्रीलिम्स में कम से कम 40% नंबर लाने होंगे तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5% नंबर लाने होंगे, वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के उम्मीदवार को 34% नंबर लाने होंगे और अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को कम से कम 32% नंबर लाने होंगे। और डिटेल में जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। साथ ही इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।